नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका शहर के बीचों बीच गांधी मैदान के आसपास हड़िया दारू बेच रही महिलाओं को बंद करवाया गया। महिलाओं को मना करने दुमका के महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी अपने कुछ महिला सिपाही को लेकर पहुंची थी। महिला थाना प्रभारी के समझाने पर भी हड़िया दारू बेच रही महिलाएं नहीं समझी और शराब बेचती रही। महिलाओं को मुख्यमंत्री फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जोड़ स्वरोजगार कर 10,000 रुपए प्रति माह कमाने का भी प्रलोभन दिया। इसके बावजूद महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। स्वरोजगार से जोड़ने वाली संस्था JSPL भी महिलाओं से हड़िया दारू बेचना छोड़ने का आग्रह करते रहे, लेकिन महिलाएं 500 रुपए रोजाना मिलने पर ही हड़िया दारू बेचना बंद करने की बात कही। महिलाओं ने एक सुर में बच्चे और परिवार का हवाला देते हुए कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति माह 10,000 रुपए नहीं चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए दे दो साहब, यह काम छोड़ देंगे, कोई शौक से हड़िया दारू नहीं बेच रहे हैं। महिलाओं के लाख मनाने के बाद भी नहीं सुनने पर महिलाओं को समझाने SDM महेश्वर महतो समझाने पहुंचे, तब जाकर हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं प्रशासन को अपना नाम और पता की जानकारी दी। यहां बता दें कि सरकार के फूलोझानो रोजगार से जोड़ने को लेकर JSPL और अधिकारियों द्वारा महिलाओं को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वर्षों से हड़िया दारू बेचने वाली महिला प्रशासन की एक ना सुनी और हड़िया दारू बेच अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रही हैं। इस अवसर पर SDM ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने को लेकर महिलाओं को समझाया जा रहा है। फूलो झानो योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास प्रशासन कर रही है, साथ ही ऐसे कामों को नहीं करने को लेकर चेतावनी भी दी जा रही है, फिर ऐसे काम करते पकड़े जाने पर प्रशासन कार्रवाई को बाध्य होगी। इन लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत इन लोगों को एक रेस्पेक्टेड व्यवसाय करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी क्रम में चूंकि ये लोग लगातार ये गांधी मैदान के आसपास में ये लोग हड़िया बेचते आ रहे हैं, तो इन लोगों को इसी क्रम में आज भी मना किया जा रहा है और साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग करते हुए पकड़े जाएंगे तो इनको फिर दूसरी सजा भी दी जाएगी, जो नियमानुसार कानून हो सकती है वो दी जाएगी।